सेल उड़ारिया में आपने देखा कि आज किस तरीके से एक बार फिर से अरमान और आसमा की शादी का सेलिब्रेशन रखा गया। सब लोग काफी डांस किए, लेकिन मेहर ने एक बड़ी साजिश रच दी। मेहर ने अपनी ही माँ को किडनैपर बता दिया। यहाँ पर आसमा को जेल भी हो गई, लेकिन यहाँ पर आकर सब आसमा को छुड़ा कर फिर घर लेकर आए। सब पूछ रहे थे आसमा से कि आखिर हुआ क्या, लेकिन आसमा जो है वो मेहर को बचा लेती है। सब कहते हैं कि अगर मेहर के पास पुलिस पहुंची थी तो मेहर ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरी माँ है। वेल, किसी तरीके से बात को तो आसमा समझा लेती है, लेकिन इसके बाद आपको बताते चले कि यहाँ मेहर ने कह दी है आसमा से कि अगर आप मेरे पापा से शादी करोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरे पापा से शादी मत करना। तो वही अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आलिया और राजा के बीच में भयंकर लड़ाई होगी। राजा को ऐसा लगेगा कि उसे जोकर के कपड़े आलिया दिलाती है ताकि लोग उस पर हंस सके, इसलिए वो आलिया के ऊपर हाथ भी उठाने लगेगा, लेकिन रणविजय से ये देखा नहीं जाएगा और रणविजय वहां पर पहुंच जाएगा राजा को ऐसा करने से रोकने के लिए। देखना दिलचस्प होता है कि क्या आसमा जो है वो मेहर की बात मान जाएगी या सब कुछ वो अरमान से बताएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।